दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से देख सकते हैं आपके फैमिली के कौन सा लोग अभी कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर जा रही है और क्या क्या कर रही है। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो को। तो दोस्तों, प्ले स्टोर में जाने के बाद सर्च कीजिए फैमिली जीपीएस ट्रैकर किट कंट्रोल, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम जो है इस एप्लीकेशन को यहाँ पर क्लिक करके ओपन कर लेते हैं और डिस्क्रिप्शन पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते आपके सामने ऐसा दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ पर देखिए आई हैव एन इनविटेशन कोड। तो मैं सेकेंड जो ऑप्शन है ये आपको बाद में बताऊंगा, आई हैव एन इनविटेशन कोड। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके हम रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करने के लिए सिंपली यहाँ पे अपना नाम दीजिए और इसके ईमेल आईडी दीजिए और यहाँ पे पासवर्ड दीजिए, तो आप यहाँ पर जो है सक्सेसफुली जो रजिस्टर हो जाएंगे। तो क्योंकि मैं पहले से रजिस्टर हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली लॉगिन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन होने के साथ साथ यहाँ पर देखिए मेरा जो जीपीएस लोकेशन है वो अभी यहाँ पर बच रहा है। तो यहाँ पर अभी इस लोकेशन पर मैं यहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रिक है वो है कि आप जो है अपने फैमिली के सभी लोगों को यहाँ पर कैसे ऐड कर सकते हैं और उसका लाइव लोकेशन आप देख सकते हैं, वो लोग अभी कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो चलिए इस ट्रिक को ही हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जो है आपके इनविटेशन कोड को जो है जेनरेट करना होगा। तो इनविटेशन कोड को जेनरेट करने के लिए सबसे पहले इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं सेंट इनवाइट, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के साथ ही साथ आपका जो है इनविटेशन कोड यहाँ पर जेनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो इनविटेशन कोड है वो है 55768। तो दोस्तों, अभी जो है आपका यहाँ पर इस फोन का काम यहाँ पर हो चुका है। तो अभी यहाँ पर इस इनविटेशन कोड को आपको यहाँ पर से कलेक्ट कर लेना है और सेव कर लेना है। तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप जिसके भी लोकेशन को आप अपने फोन से देखना चाहते हैं, जिसको भी देखना चाहते हैं आपके फैमिली के मेंबर को कि वो अभी कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो उसके फोन में ये सेम एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर देना होगा। और दोस्तों, आपके फैमिली में जितना भी सारा लोग है, आपके मम्मी है, डैडी है और जितने भी सारा लोग है, उन सभी के फोन में ये सेम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दीजिए और इस इनविटेशन कोड को जो है डाल दीजिए। तो चलिए मैं जो है यहाँ पर एक प्रोसेस को यहाँ पर आपको दिखा के बता देता हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी अपना दूसरे फोन में आ चुका हूँ और इस फोन से मैं दिखाऊंगा। तो समझिए कि ये आपका उस मेंबर का जो फोन है जिसके जीपीएस को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं ये कहाँ कहाँ पर जाती है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड वाला ऑप्शन, आई हैव एन इनविटेशन कोड, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और आपका जो है यहाँ पर अपना नाम दीजिए। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोड के ऑप्शन पे आपका वो कोड डाल दीजिए जो आप यहाँ पर देख सकते हैं 557668। उसके बाद यहाँ पे इंटर पे क्लिक कर दीजिए और ऐसे करके आपको सभी के सभी फोन में जो है ये सेम कोड डालना है। ऐसे करके आप जितना लोगों के जीपीएस को भी देखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पे आई वांट टू यूज इट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद तो दोस्तों, अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लोकेशन है और जीपीएस है, ये दोनों के दोनों यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए, ये है मेरा जीपीएस लोकेशन जो है बप्पी राय, और यहाँ पे देखिए ये है मैं अभी ऐड कर चुका हूँ जो है बप्पन के नाम पे। तो यहाँ पे ऐसे करके आप सभी के सभी लोगों की मोबाइल फोन पे ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर दे सकते हैं और इस इनविटेशन कोड को यूज करके सभी के सभी जीपीएस लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी के तरीके से। दोस्तों, वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। और देखते रहे सीखते रहे जानते रहे नेटलैंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।